अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम चाचा बसरा मूल मार्केट में है, देसी घी से तैयार करता कह रहे हैं। ये जरा यार इधर दिखाना, दिखाओ सर। कचौरी मटन टिक्की और क्या साजिश प्लेट का वजन काट चेकिंग ना कितनी देर हो
अच्छा इन्हें मटन पाया है तुसी छोटा कीमा छोटा की मटन दो ही ना निके लगा के चार होते हैं अंकल मैदा ये मैदा होता है अंदर कीमा होता है सर ताड़ी दुकान है ये चाचा बच्चे की दुकान अच्छा कितनी देर हो गई है दुकान है? कितनी देर हो गई है दुकान हाँ जी दुकान को इस दुकान को मेरा हो गया 15 साल हो गए और आपको यहाँ पे काम करते हैं 14 साल मतलब शुरू से ही आप कर रहे हैं मैं एक साल बाद आया इसके किचरे में है उधर पूरी नहीं लगा वो किस जगह पीट वगैरह किचरे में किस जगह भाई ज्यादा रोड है अच्छा अच्छा हेलो पूरी लगाई थी बाल सीम सीम चुला बाल है पैप लाए उधरों की कार एक कुछ स्पेशल लेने के लिए चिट्टे चने यूज़ किए हैं ये आए थे
आलू भाजी एक दफे बना के रख लेते हैं सालन के साथ साथ बनाना पड़ता है ये भाजी साथ साथ बनता है अच्छा वो पतीला रखा हुआ है इसके लिए पहले आलू तैयार कर दिया आलू साइड से लगा दिया ठीक है चने तैयार ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपका ठीक है अच्छा ज़रा बताइएगा आपको कैसा टेस्ट लगता है इसको टेस्ट करके ज़रा चेक करिए मैंने टेस्ट करके ज़रा क्या इसमें आपको क्या लगता है वो बनेगी अभी तक वो जो मटन है बताया तो मटन हुआ है बाकी मटन ही ऑयली है क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं बताओ अगर ज्यादा ऑयली नहीं है यार बस ये चीज़ का कमाल होता है कि ऑयल ज़्यादा नहीं ज़्यादा ऑयली नहीं होता है शायद ये वैसे खाते नहीं ड्रामे करने से यार ये